स्टूडेंट क्लास 8 SST में हमने हमारी हिस्ट्री की बुक कल शुरू की थी बच्चों, जिसमें अपना फर्स्ट चैप्टर इतिहास की बुक में हम पढ़ रहे थे कैसे कब और कहाँ। कैसे कब कहाँ के अंदर हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये तारीखें हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होती है और कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती है, किस तरीके से उन्हें हम जो कहानीकार इतिहास है उनको हम टुकड़ों और अध्यायों में बांटते हैं ताकि उनके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मकसद है, उनको आसानी से सामने लाया जा सके और उसको समझा जा सके। अवधियों को हम कैसे तय करते हैं इसके बारे में जेम्स मिल ने जो हमने पढ़ा था, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने 3 खंडों में हमारे इतिहास को बताया। भारत के हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में डिवाइड किया और साथ ही साथ हमने ये भी जानने की कोशिश की कि वर्गीकरण के अनुसार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर हमने देखा। ठीक है, उसके अंदर हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बहुत सारे इतिहासकार ने किसी विशेष युग को औपनिवेशिक युग कहा। औपनिवेशिक युग का मतलब था अंग्रेजी शासनकाल का जो युग हमारे भारत में रहा, जहाँ अंग्रेजों ने हमारे ऊपर क्या किया, अपना शासन किया, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे दिखाई दी जिसके अंदर अंग्रेजी शासन के लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी और हमारे इसी काल को जो अंग्रेजी शासन काल का युग था उसे औपनिवेशिक काल कहा गया। तो आज हम पढ़ते हैं औपनिवेशिक क्या होता है। इसके अंदर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि अंग्रेजों ने हमारे भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं पर क्या किया, अपना नियंत्रण स्थापित कर उन पर शासन किया। अब इस पाठ के माध्यम से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इन अंग्रेजों ने हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे समाज पर अपना पूर्ण नियंत्रण किया। यही नहीं बल्कि अपने समस्त खर्चे जो कि चलाने के लिए उन्हें ज़रूरी थे वो उन्होंने राजस्व के रूप में हमसे किस तरीके से वसूल किए। अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हुआ करती थी उनको कैसे वे कम मूल्य पर भारतीयों के मेहनत से की हुई जो थी उसको खरीदते थे और निर्यात के लिए वो अपने फ़ायदे के लिए देखते थे कि कौन सी महत्वपूर्ण फसलें भारत में उगाई जाए जो कि इंग्लैंड के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इन सारी कोशिशों का जो उन्होंने किया उसके कारण क्या बदलाव आए ये भी हम इसके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासक के कारण हमारे यहाँ मूल्य मान्यताओं और नापसंद पसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या क्या बदलाव आए यह भी हम इसके अंदर पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब कोई भी एक देश जैसे कि हमारे ब्रिटिश ने आकर भारतीयों पर अपना दबदबा बनाया, दबाव बनाया, तो यहाँ पर औपनिवेशीकरण किसे कहा गया ये समझाने का प्रयास किया है, जहाँ पर मैंने ग्रीन लाइन से हाईलाइट किया है। जब एक देश दूसरे देश के दबदबे पर अपना इस तरह से अपना दबाव बनाता है कि जिससे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो जो ये प्रक्रिया होती है इस प्रक्रिया को ही क्या किया जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं करते हैं। यही कारण है कि हमारी पुस्तक को नाम दिया गया है हमारे अतीत के, हमारे अतीत में क्या क्या हुआ है और ये कई अतीतों पर केंद्रित है। किस तरह हम जानते हैं कि भारतीय इतिहासकार के जो पिछले 250 वर्ष रहे हैं उनमें इतिहास लिखने वाले इतिहासकार कौन कौन से प्रयासों से, किन किन स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए हमारे इतिहास को लिखते हैं। यहाँ पर एक प्रशासन अभिलेखे तैयार करता था, वो किस तरीके से करता था उसके बारे में बताया है कि अंग्रेजी जो शासनकाल था उसके द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। कैसे होते हैं कि अंग्रेजों की ये सोच थी, उनकी मान्यता थी कि चीज़ों को लिख लेना बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वे किसी भी प्रकार का आदेश निर्देश देते थे, कोई भी योजना बनाते थे, कोई भी फैसले लेते थे किसी की सहमति के लिए या कोई भी जांच है तो वे कहते थे कि इसको साफ साफ रूप में लिख लेना चाहिए और ऐसा करने से इन चीज़ों का आसानी से जब कभी भी जरूरत हो उसका अध्ययन किया जा सकता है, उन पर किसी प्रकार का वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते हुए उन्होंने ज्ञापन है, टिप्पणियां हैं, प्रतिवेदन है पर आधारित शासन की संस्कृति को पैदा करने की भी पहल करी। अंग्रेजों को क्या लगता था, अंग्रेजों को ये लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज
जितने भी हमारे कामकाज के कागज़ होते हैं पत्रों को संभाल कर रखा जाना चाहिए। आज हम यही सब करते हैं, अपने अपने दस्तावेज़ अपने अपने डॉक्यूमेंट्स उसको संभाल के रखते हैं क्योंकि भविष्य में ये वह हमारे काम आते हैं। लिहाजा उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे शासकीय संस्थान थे या जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उनमें अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर हो, कलेक्ट्रेट हो, कमिश्नर का दफ्तर हो, प्रांतीय सचिवालय, सेक्रेटरीट, कचहरी, इन सब में अपने रिकॉर्ड रूम होते थे जहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को बचा कर रखना जाता था। और बचा कर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान यहाँ पर बनाए भी गए थे। ठीक है, अब आता है कि उन्हें 19वीं शताब्दी के शुरू में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास जितने भी आपस में पत्रावली होती थी यानी पत्रों का आदान प्रदान होता था, ज्ञापन होता था, आज भी अभिलेखाकारों में हम इनको देख सकते हैं, वहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। आप वहाँ जिलाधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स हैं, रिपोर्ट हैं जो उन्हें भेजा करते थे या ऊपर बैठे अफसरों के प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश हैं, सुझाव हैं, ये आपको सभी इन अभिलेखाकारों के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों को सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाने लगी। उन्हें कुछ शनवीसी में माहिर होते थे जो लिखने में, वो सभी व्यक्ति जो थे वो सुंदर जो लेख लिखने वाले थे, जो ढंग से लिखते थे, वो उन चीज़ों को अपने लेखन से तैयार करते थे। 19वीं शताब्दी के अंदर जब छपाई की बात शुरू हुई तो छपाई के अंदर जो माहिर लोग थे उन्होंने छपाई की तकनीक को और फैला दिया और तकनीक के सहारे प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाई के दस्तावेजों की कई प्रतियां तैयार की जाने लगी। यहाँ पर एक गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट भी भेजी गई है जिसके अंदर सन 1946 में भारत में औपनिवेश सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी उसके बारे में उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी उसके नमूनों को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। बम्बई, कराची, विशाखापट्टनम, यहाँ पर इनमें बताया गया है कि जो किस तरीके से वहाँ पे काम हुआ इस बात में बताया गया है। बम्बई के बारे में आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया कि सेना पर कर दिया गया कि सेना और जहाज़ दफ्तरों पर कब्जा कर ले। सैनिक शाही सैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया। कुछ अन्य संदेशपद विद्रोहियों को भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में थे। विशाखापट्टनम से जो खबर थी वो थी स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, कहीं हिंसा नहीं है, जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए, किसी भी परेशानी की कोई उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। तो इस तरीके से ये बातें यहाँ पर गृह मंत्रालय की, यहाँ पर चित्र दिया गया, देखें आप ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखाकार 2020 के दशक में जो बनाया गया था उसका चित्र दिया गया है। ये नई दिल्ली में इसका निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के निकट बनाए गए। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच इस संस्थानों के कितना, अंग्रेजों की सोच में जो ये जो अभिलेखागार बनाए गए उनका कितना महत्व था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसके अंदर सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व बताया गया है, साथ ही साथ यहाँ पर एक दृश्य दिया है चित्र जिसमें शरीफी के पौधा जो 1770 के दशक में है ये बताया जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पति उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उससे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इन चित्रों के नमूनों से स्थानीय कलाकारों द्वारा बनवाए गए थे और इतिहासकार इस बात पर ध्यान देते थे कि इस तरह की जानकारियाँ किस तरह से इकट्ठी की जाती थी और उपनिवेशवाद के बाद क्या इनसे पता लगता है। यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण हो चला था। अंग्रेजों का विश्वास था कि देश को किसी भी देश पर अपना दबदबा बनाना है, किसी भी देश पर अपना शासन चलाना है तो सबसे पहले उनकी अंग्रेजों की सोच थी कि पहले उस देश के बारे में सारी जानकारियों को हासिल किया जाए। कहते हैं ना, जब तक हम किसी के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ ही नहीं लेंगे, उसके नेचर को ही नहीं समझेंगे, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या इनकी कमजोरी है, तब तक हम उस पर अपना दबाव नहीं बना सकते। तो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही उन्होंने पूरे देश का नक्शा तैयार कराया, बड़े बड़े सर्वेक्षण किए,
सर्वेक्षण में गांवों में से राजस्व सर्वेक्षण किए, जिसके अंदर वहाँ की धरती कैसी है, उनकी गुणवत्ता कैसी है मिट्टी की, यहाँ पेड़ पौधे कौन से मिलते हैं, जीव जंतु कौन से मिलते हैं, स्थानीय इतिहास और फसलों के बारे में बताया। ऐसा इसलिए करते थे कि अंग्रेजों का मानना था कि ये सभी बातें किसी भी देश पर शासन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब बारों में जाना जाए। 19वीं शताब्दी के आखिरी में हर 10 साल में जनगणना की भी की जाने लगी। जनगणना क्या होती है? जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या यानी जनसंख्या, उनकी जाति क्या है, इलाका क्या है, व्यवसाय के बारे में कि वो क्या करते हैं, इन सब के संबंध में जानकारियां हासिल की थी। जो आज भी हमारे देश में जनगणना की जाती है प्रत्येक 10 साल में, जिसके आधार पर हमारे देश की जनसंख्या आपको पता है घोषित की जाती है कि कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी बढ़ने की दर क्या है, मृत्यु की दर क्या है, शिक्षित लोग क्या हैं, महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, ये सब जानकारियां इस जनगणना जो अंग्रेजों ने शुरू की थी उसी से हम इकट्ठा कर पा रहे हैं। इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण है, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण है, पुरातत्वीय सर्वेक्षण है, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण है, वन सर्वेक्षण है, इन कई प्रकार के सर्वेक्षण भी उस जमाने में अंग्रेजों द्वारा कराए गए। अधिकृत रिकॉर्डों से क्या पता नहीं लगता है, अगला टॉपिक इस लेसन का यही है। इसमें बताया गया है कि कितने भी हमारे पास इन लेखागारों के अंदर ये रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो हमें पता नहीं लगती है। ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हमें ये नहीं बता पाते हैं कि इनसे यही पता लगता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन बातों में थी, किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें समझने में हमेशा ये मदद नहीं मिलती कि देश में जो अन्य लोग हैं, सरकारी के अलावा जो अन्य लोग हैं, वो क्या महसूस करते हैं, उनको क्या चाहिए, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह है। इन बातों को जानने के लिए हमें अभी और भी इतिहास को खंगोलना होगा, दूसरे स्रोतों को जहाँ से जानकारियाँ मिल सकती हैं उनको तलाशना होगा, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। लिहाजा इनके स्रोतों के अंदर लोगों की डायरियां हैं, तीर्थयात्राएं हैं, यात्रों के संस्करण हैं, महत्वपूर्ण लोगों की जो लिखी हुई आत्मकथाएं उनके द्वारा स्वयं के द्वारा लिखी गई हैं, स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तक पुस्तिकाएँ, ये स्रोत हो सकते हैं जिनसे ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार फैलने लगे, छपने लगे, विभिन्न मुद्दों पर जनता अपने विचारों को इन अखबारों के माध्यम से छपाने लगी, नेता सुधारक जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में थे उनके विचार फैलने लगे, कवि थे हमारे उपन्यासकार थे उन्होंने अपने अपने भावों को भावनाओं को व्यक्त करने जो लिखने लगे, तो ये सारे स्रोत थे जिनसे हम लोग, लेकिन इन सब स्रोतों को जिन लोगों ने रचा वे लोग भी कौन थे? जो पढ़े लिखे थे। लेकिन हमारे भारत में तो ऐसे बहुत सारे आदिवासी किसान हैं, खादान में काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब हैं, सड़क पे ज़िंदगी गुजर करने वाले खानाबदोश हैं, जो कई अनुभवों से गुजर रहे हैं, तो उन वो जो लोग थे उनकी जो सोच थी, उनका जो महसूस कर रहे थे, उसके बारे में हमें उन अनुभवों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पाई। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो इस बारे में हम और भी जान सकते हैं। जैसे जैसे हम किताब में आगे बढ़ते चले जाएंगे बच्चों, हम आपको और इसके बारे में बताते चले जाएंगे। यहाँ पर एक और चित्र में दिया गया है जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि इंसानों के लिए खाना खाने लायक नहीं है। ये एक अखबार में छपा हुआ एक वक्तव्य है जिसके अंदर देश के विभिन्न भागों में आंदोलन जो चल रहे थे 1946 में, तो पुलिस की हड़ताल की खबर दी गई है। वो समझाया गया है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस कर्मियों ने बृहस्पतिवार को सुबह अपने कम वेतन और पुलिस लॉयंस बावर्ची खाने के अंदर आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। वहाँ पर ये बताया गया कि वो जो खाना जो उनको परोसा जाता था, दाल चपाती, वो जानवरों के खाने लायक भी नहीं थी। इस तरह की जानकारियाँ हमें इस तरह के अखबारों में छपी हुई खबरों से प्राप्त होती है। तो बच्चों, ये लेसन आज हमने पूरा किया है, इसके क्वेश्चन आंसर हम कल देखते हैं। आज